आज मैंने काबुली चने की ऐसी रेसिपी बनाई हूँ जिसे खाकर आप ना उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। और बहुत आसान तरीके से बनाई है और ज़्यादा समय भी नहीं लगा, टाइम भी नहीं लगा ज़्यादा इसे बनाने में, 5 मिनट में बन जाती है रेसिपी। तो यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से बनाई है, ना ही मसाला भुना है, ना ही कुछ किया है, ना ही कोई तामझाम किया है, बहुत ही आसान तरीके से और फटाफट से बनने वाली ये रेसिपी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है। तो यहाँ पर मैंने काबुली चने लिए हैं, तो यहाँ पर इसे मैंने रात भर भिगो के रखा है। इसमें मैंने आधा कटोरी सूखे मटर डाले हैं, आप ये स्किप भी कर सकते हैं या फिर डाल भी सकते, क्योंकि ये मेरा कुकिंग का फेवरेट पार्ट है। क्योंकि मैं चने बनाती हूँ तो बटाने डालती हूँ थोड़े से, या फिर बटाने बनाती हूँ तो थोड़े से चने डालती हूँ, ये मेरा कुकिंग का फेवरेट पार्ट है। आप चाहे तो इसे यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते। गैस पर बर्तन रख दिया, इसमें डाल देंगे 3 गिलास पानी और इसमें चाय पत्ती डाल देंगे आधा चम्मच। तो यहाँ पर शक्कर वगैरह कुछ नहीं डालना है, बस चाय की पत्ती डालिए और इसका चाय बना लेना है। तो यहाँ पर चाय पत्ती पक चुकी है, अब यहाँ पर कुकर ले लेंगे, इसमें डाल चने डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे टमाटर, प्याज, मिर्ची। तो 2 टमाटर लिए हैं, ऐसे आधा आधा कट किया है। अब यहाँ पर 3 से 4 मिर्चियाँ ली है, प्याज को भी ऐसे आधा काटा है, और लहसुन लिया है 10-12 कलियाँ लहसुन की ली है। ये सभी चीज़ें यहाँ पर डाल देंगे और इसमें डाल देंगे पत्ती का पानी। तो यहाँ पर 3 ग्लास उबाला था ना, तो वो पूरा डाल देंगे। तो यहाँ पर डाल दिया है, इसमें डाल देंगे नमक, हल्दी और मिर्ची डाल देंगे। तो यहाँ पर नमक मैंने स्वादानुसार लिया है, तो यहाँ पर मैं अभी रेसिपी में नमक नहीं डालूंगी, एक साथ सभी मसाले डाल दूंगी। हल्दी डाल दी है मैंने, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है, और यहाँ पर मिर्ची पाउडर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची डाली है, उस हिसाब से मैं डालूंगी कम ज़्यादा। धनिया पाउडर डाल देंगे 3 से 4 चम्मच, और यहाँ पर मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर ये रेसिपी इस तरह से बनाने से क्या होता है कि हमारा टाइम भी बचता है, और जो बाहर जाते हैं, बाहर काम करते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत फटाफट से बन जाती है। और बैचलर्स जो है उनके लिए भी ये रेसिपी बहुत काम आने वाली रेसिपी है। तो यहाँ पर 3 सीटियाँ देकर इसे उबाला है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पक चुकी है, गल चुकी है, कुक हो चुकी है। तो यहाँ पर ये छिलका ना टमाटर का देखो ऐसे निकल चुका है, तो इसे निकाल लेंगे, सारे टमाटर के छिलके निकाल लेंगे। तो यहाँ पर निकाल दिए है एक एक करके टमाटर के छिलके, इस तरह से बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर निकलने के बाद में अब यहाँ पर इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चम्मच से अच्छे से मिला लेना है। ये जो टमाटर प्याज है ना, चम्मच से मिलाने से ही मैश हो जाएंगे, इतने अच्छे से गल चुके हैं। और यहाँ पर चने भी बहुत अच्छे से पक चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए चने बहुत अच्छे से पक चुके हैं, कुक हो चुके हैं, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से गल चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मिक्स करने के बाद में इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है, क्योंकि चने ना ठंडे होने के बाद में ठीक हो जाते हैं, गाढ़े हो जाते हैं, इसकी ग्रेवी एकदम कम हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी डाला है। अब यहाँ पर इसे थोड़ा सा उबाल आने के लिए रख देंगे गैस पर। तो यहाँ पर रख दिया गैस पर, पानी डालने के बाद में इसे मिक्स कर देंगे और यहाँ पर गैस पे रख देंगे एक उबाल आने के लिए। ये काबुली चने के बजाय आप काले चने भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे रेसिपी यहाँ पर रेडी हो चुकी है, इसका तड़का बनाएंगे हम। चाहे तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, इसे तड़के के बिना भी खा सकते हैं, या फिर ऐसे भी खा सकते हैं, इसके टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आता है, एकदम टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, इसे रोटी के साथ में, पराठे के साथ में खा सकते हैं। तो चलिए इसका तड़का बनाएंगे। तो यहाँ पर एक बाउल में तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। तो यहाँ पर सरसों का तेल लिया है, अब इसमें डाल देंगे 100 पत्ता तेज पत्ता और 2 बड़ी इलायची, इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता, डाल दिया है अदरक कद्दूकस किया हुआ। हमने रेसिपी में लहसुन डाला था, चनों में लहसुन डाला था, अदरक नहीं डाला था। तो यहाँ पर मैंने कद्दूकस करके डाला है, आप चाहे तो लच्छे भी कर कर डाल सकते। यहाँ पर तड़का रेडी होने के बाद में इसमें डाल देंगे, तड़का डाल देंगे चनों में। तो यहाँ पर डाल दिया है तड़का और यहाँ पर मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर तड़का डालने से इसका अलग सा फ्लेवर आ जाता है चनों का, तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं चने, इसके फ्लेवर बढ़ जाते हैं चने के। वैसे तो विदाउट तड़के के भी अच्छा लगता है, पर तड़का डालने से एकदम यूनिक बन जाती है रेसिपी,
इसे रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हैं। यहाँ पर मैंने गरम मसाला डाल दिया है, मिक्स कर देंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारी काबुली चने की रेसिपी यहाँ पर रेडी हो चुकी है बिना मेहनत के। तो यहाँ पर देखिए हरा धनिया डाल देंगे और यहाँ पर मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।